यूज करने के लिए हमको क्या होता है, ऐप डाउनलोड करना पड़ता है। ओपन कैमरा में ये काम करता है, लेकिन ये जो है ना आपका जो मोबाइल कैमरा है उसमें भी काम करेगा। तो दोस्तों हमारे पास दो वायरलेस माइक्रोफोन है, आप देख सकते हैं मोबाइल वायरलेस माइक्रोफोन, या कंप्यूटर में यूज करें या मोबाइल में यूज करें, दोनों यूज हो जाता है आसानी से। तो दोस्तों कौन सा माइक्रोफोन आपको लेना चाहिए ब्लॉगिंग के लिए और मतलब वॉइस ओवर मारने के लिए, तो दोस्तों एक कौन सा है दोस्तों, और कौन सा आपको लेना चाहिए, कितना बजट चाहिए आपको लेने के लिए, दोस्तों वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों हमारे पास दो है, हम कितने कितने का खरीदे थे, तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं, देखिए ये गिरनारो का वायरलेस माइक है और दोस्तों ये रिसीवर है गिरनारो का, आप देख सकते हैं। तो और फिलहाल ये भी देख सकते हैं, ए के एट का वायरलेस माइक है और ए तो अंत के एट का रिसीवर है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं दोनों, और दोनों का डब्बा आप देख सकते हैं, प्लस आप देख सकते हैं गिरनारो का ऐसा डिब्बी मिलता है, और हमारा दो चैनल वाला गिरनारो का है, मतलब दो चैनल मतलब दो लोग एक साथ में इंटरव्यू कर सकते हैं, और देख सकते हैं यहाँ पर चार्जिंग वाला सिस्टम है एकदम ब्लूटूथ के जैसा। तो दोस्तों और इसका देखेंगे तो बस ऐसा ही है, तो आप देख सकते हैं इसका ऐसा ही है, ये भी खोने का डर रहता है कि ये भी कहीं खो ना जाए। और सबसे मस्त तो इसमें है कि मतलब अगर आपके पास कोई भी, हम कोई भी वायरलेस माइक का बुराई नहीं बता रहे हैं मतलब, तो दोस्तों आप देख सकते हैं मतलब जैसे कि ये आपको बहुत कम दाम में मिल जाएगा अमेजोन फ्लिपकार्ट पे, और ये जो है ना ये कम से कम आपको, ये तो हमको 3000 का पड़ा, लेकिन आपको अगर एक चैनल वाला लेते हैं ना, केवल अगर आप एक चैनल का लेते हैं उसमें एक मिलेगा रिसीवर और एक मिलेगा माइक, तो दोस्तों ये भी मिलेगा, लेकिन आपको यहाँ पर दो लोग इंटरव्यू नहीं कर सकते हैं, एक और मिला है आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इसको हम करते हैं साइड में, तो दोस्तों सबसे बढ़िया रहेगा दोस्तों अगर आपके पास कम बजट है तो आप ये ले सकते हैं, और उससे भी कम बजट है अगर आप इसको लेना नहीं चाहते तो हम एक आइडिया बता रहे हैं। तो दोस्तों हमारे पास है देख लीजिए ए वाला, आप देख सकते हैं ए वाला ब्लूटूथ, ब्लूटूथ कोई भी रहे, और इसका वीडियो हम डालें एकदम सेम टू सेम वायरलेस जैसा आपका वीडियो में वॉइस आएगा और रिकॉर्डिंग भी होगा। तो दोस्तों इसका भी हम इस्तेमाल करके दिखाए थे, मतलब ये भी वायरलेस आता है, बहुत सारा ब्लूटूथ वायरलेस में आता है, तो दोस्तों इसको भी आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि इसमें एक ऐप डाउनलोड करना पड़ता है उसके बाद आप इसको भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको अगर अच्छा से नॉइस, सबसे ज़्यादा नॉइस कौन सा कैंसिल करता है भी हम बता देते हैं, जो भी बाहर का आवाज़ रहता है सनसनाहट रहता है वो सबसे ज़्यादा कौन सा कैंसिल करता है, तो दोस्तों फिलहाल ये वाला थोड़ा महंगा पड़ता है, लेकिन इसमें जो वॉइस आता है ना एक नंबर का आता है, और इसमें भी आता है लेकिन उतना थोड़ा बहुत आता है, वो बाहरी आवाज़ नॉइस जो रहता है वो थोड़ा बहुत आता है, एकदम पूरा क्लीन नहीं करता है। लेकिन इसको अगर लगा लेंगे और इसमें तीन सेटिंग दिया, तीन बार अगर बटन इसको दबा देंगे ना, उसके बाद क्या होगा कि आप जैसे रहेंगे बाहर में ना तो लगेगा कि हम हॉल में आ चुके हैं, किसी हॉल में हम वीडियो बना रहे हैं, उस तरीके का गिरनारों का माइक में आवाज़ आएगा। और इसका भी है, तो इसका जैसे कि अब बैटरी का बात कर लेते हैं, बैटरी बैकअप का, अगर आप इसको तीन से चार दिन तक, मतलब ये हम चार्ज ही नहीं करते हैं, उतना वीडियो नहीं बनाते हैं तो चार्जिंग नहीं करते हैं, और ये अगर फुल है तो आप ये दोनों लगा करके पूरा दिन भर तक आप मतलब वीडियो शूट कर सकते हैं, पूरा दिन भर तक, तब भी ये बैठेगा नहीं, मतलब चार्ज इसका ख़त्म नहीं होगा गिरनारों का। और इसका जो है ना हमारे पास है, तो आप देख सकते हैं जो इसका है ना, ये क्या होता है कि अगर हम इसको फुल चार्ज कर दिए, जब अपने मन से ऑटो कट हो जाता है ना, तो एक से दो घंटा जाते जाते ना ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है, एकदम बैठ जाता है, फिर ऑन ही नहीं होता है। हमारे के एट वायरलेस माइक्रोफोन में यही प्रॉब्लम आता है, और के एट वायरलेस माइक लिए हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों आपके मतलब प्रॉब्लम आता है। और प्लस ये जो है ना आप देख सकते हैं गिरनारों का जो है ये किसी भी मोबाइल में आसानी से मतलब लग जाता है, टाइप सी है ना, मतलब टाइप सी है, टाइप सी से ऊपर में किसी में लग जाता है। तो दोस्तों ये देखिए टाइप सी है, इसमें भी टाइप सी मिलता है, आप देख सकते हैं इसमें भी टाइप सी मिलता है, लेकिन इसको इसको यूज करने के लिए हमको क्या होता है, ऐप डाउनलोड करना पड़ता है। ओपन कैमरा में ये काम करता है, लेकिन ये जो है ना आपका जो मोबाइल कैमरा है उसमें भी काम करेगा एकदम आसानी से। तो
तो दोस्तों कौन सा आपके लिए अच्छा पड़ेगा, ये तो महंगा है, अगर आपके पास बजट है तो ये ले लें, अगर आपके पास इसको भी लेने का, दोनों के दोनों में से कोई नहीं ले पाएंगे तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो हमने डाला हुआ हूँ अपने चैनल पे, वहाँ पर आप जाकर वीडियो हम डाले हुए हैं मतलब अपने चैनल पे, वहाँ पर जाकर आप सेटिंग कर सकते हैं और इससे भी आप अपना वॉइस वायरलेस माइक के जैसा आप ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर आज का हमारा वीडियो कोई भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दें, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए दोस्तों कौन सा माइक यूज कर रहे हैं, K8 या Gernaro। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।